हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे चंबल नदी के बारे में, ठीक है, जो कि किसका अपवाह तंत्र कहलाती है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाती है, ठीक है। जिसमें से कल हमने एक नदी करी थी, बनास नदी के बारे में पढ़ा था, जो कि इसी नदी के अंदर आकर मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शुरू कहाँ से होती है, ये कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ये देखिए, शुरू कहाँ से होती है, हमारी जाना पाव की पहाड़ियां, कहाँ से शुरू होती है, जाना पाव की पहाड़ियों से शुरू होती है, जो कि कहाँ पर, हमारी मध्य प्रदेश के अंदर है, और महू नाम का एक गांव है, वहां पर ये पहाड़ियां हैं जहां से ये नदी क्या करती है, निकलती है, ठीक है। ये नदी आपको रेड कलर की जितनी भी लाइन आपको दिख रही है, सारी की सारी कौन सी है, हमारी चंबल नदी है, ठीक है। अब देखिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और उसके बाद देखिए जहां पर ये मध्य प्रदेश के अंदर ही क्या है, इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, जो कि कौन सा है, गांधी सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। तो जहां से ये शुरू होती है, वहीं पर ही थोड़ा दूर आगे जाकर जो है मध्य प्रदेश में ही डैम बना हुआ है, ये कौन सा, गांधी सागर बांध। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले जिला आता है हमारा चित्तौड़गढ़, ठीक है। कौन सा जिला आता है, चित्तौड़गढ़ जिला आता है। चित्तौड़गढ़ से क्या करती है, हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी कौन सा गाँव आ जाता है, चौरासीगढ़, ठीक है। चौरासीगढ़ नाम की जगह है जहां से क्या करती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो जिला तो आ जाएगा चित्तौड़गढ़, और जगह का नाम आ जाएगा चौरासीगढ़, ठीक है। फिर देखिए, ये जितना आपको जगह दिख रही है, सारा का सारा हमारा कौन सा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, ठीक है। इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक इस नदी के ऊपर डैम बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा डैम कहलाता है राजस्थान का, कौन सा है, राणा प्रताप बांध, ठीक है, राणा प्रताप बांध। तो प्रताप के अकॉर्डिंग जो है, राणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप, उनसे रिलेटेड जो आप इसको ध्यान रख सकते हो, वो चित्तौड़गढ़ के ही थे। तो आप उसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हो कि राणा प्रताप जो है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और नदी कौन सी निकलती है वहां से, चंबल नदी निकलती है, ठीक है। तो ये एक हमारा डैम आ गया, जो कि कौन सा है, राणा प्रताप बांध। राणा प्रताप बांध से थोड़ी सी पहले ही क्या आ जाता है, एक चुलिया जलप्रपात आ जाता है। जलप्रपात क्या होता है, जैसे झरना नहीं होता है उसी तरह से होता है, ठीक है। तो वहां से एक झरना निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है, चुलिया जलप्रपात कहा जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ये कहाँ पर है, या किस नदी के पास है, कौन सा जिला लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। और राणा प्रताप बांध से थोड़ा सा पहले ही आ जाता है, कौन सा प्रताप, चुलिया जलप्रपात, ठीक है। तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम, तो कौन सा जगह आ जाती है, कोटा, ठीक है। ये आगे हमारी कोटा, मैं सर्कल लगा देती हूँ आपको कि कौन कौन से जो जिले हैं इनको कवर करती है ये नदी। पहला चित्तौड़गढ़ है, दूसरा कोटा है, ठीक है। तीसरा कौन सा आ जाता है, बूंदी। चौथा सवाई माधोपुर। पांचवा आ जाता है करौली। और छठा आ जाता है हमारा धौलपुर। तो ये हो जाएगा इसका रूट, कि यहाँ से लेके ये किस किस जिलों में से होकर जो है बहती है। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली, और फिर हो जाएगा धौलपुर। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ के बारे में हमने पढ़ लिया कि चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना हुआ है और एक चुलिया जलप्रपात है, ठीक है। अभी केवल आपको केवल डैम के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए, कोटा के अंदर देखिए दो डैम बने हुए हैं यहाँ पर। देखिए, एक तो कौन सा है, ये वाला डैम है, जो बड़ा डैम बना हुआ है यहाँ पर, वो कौन सा है, जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर इस नदी में कितने बांध है, दो बांध बने हुए हैं। कौन से है, एक तो है जवाहर सागर बांध, और दूसरा छोटा बांध बना हुआ है, जो कि कौन सा है, कोटा बैराज बांध। या इसी बांध को हम क्या कहते हैं, पिकअप बांध बोला जाता है इसे, ठीक है। पिकअप डैम, यानी कि बड़े डैम के आगे एक छोटा डैम बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिकअप बांध बोलते हैं, या कागजी बांध उसको बोला जाता है। तो ये वाला डैम कौन सा है हमारा, कोटा बैराज बांध है। तो ये दो डैम आ जाएंगे हमारे, एक तो जवाहर सागर बांध और दूसरा कौन सा, कोटा बैराज बांध। अब तक हम चार डैम इस नदी पर पड़ चुके हैं, जिसमें से पहला गांधी सागर बांध था, जो कि राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा आ गया था राणा प्रताप बांध, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, और उसके जस्ट पास में ही एक झरना है, जिसका नाम क्या है, चुलिया जलप्रपात है, ठीक है। फिर उसके बाद कोटा में एंटर करती, तो कोटा में कहाँ है, एक डैम बना हुआ है, जवाहर सागर बांध, बहुत बड़ा डैम बना हुआ है ये। उसके जस्ट आगे एक थोड़ा छोटा डैम बना हुआ है कोटा के अंदर ही, जो कौन सा है, कोटा बैराज बांध, या जिसको क्या कहते हैं, पिकअप डैम कहा जाता है। यहीं पर देखिए एक झूलता हुआ पुल भी है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि झूलता हुआ पुल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो वो चंबल नदी पर बना हुआ है, और जगह कौन सी आ जाएगी, कोटा आ जाएगी, ठीक है, झूलता हुआ पुल। फिर उसके बाद आगे चलते हैं बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर केवल और केवल कौन सी आती है, यहाँ पर एक नदी आ जाती है, चाकर नदी,
जो इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर किसी तरह का कोई डैम वैम कुछ भी नहीं है। फिर स्वाई माधोपुर है। स्वाई माधोपुर में आने के बाद क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर स्वाई माधोपुर में प्रवेश करेगी ना, प्रवेश करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक तो मैदानी क्षेत्र बनाती है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आकर बहना शुरू कर देती है। और इस जगह को भी क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है, ठीक है, बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये क्या करती है, अवनाली का अपरदन जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है। अवनाली का अपरदन का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, जैसे ऊबड़ खाबड़ है तो उसकी वजह से क्या है, जैसे इस तरह से नालियों के रूप में जो है वो जगह जगह पर बहती रहती है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सर्वाधिक अवनाली का अपरदन बनाने वाली नदी, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है कि बीहड़ क्षेत्र कौन बनाती है, तो यही हमारी नदी बनाती है, कौन सी, चंबल नदी। इसके अलावा आ जाता है क्वेश्चन कि मैदानी क्षेत्र में कहाँ से एंटर करती है, तो वो भी आ जाएगा हमारा स्वाई माधोपुर। तो स्वाई माधोपुर से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि मैदानी क्षेत्र में एंटर कहाँ करती है, स्वाई माधोपुर में, और इसके अलावा अवनाली का अपरदन जो बनता है वो भी कहाँ से शुरू हो जाता है, स्वाई माधोपुर से शुरू हो जाता है। फिर देखिए यही पर स्वाई माधोपुर के पास ही देखिए यहाँ पर एक टी पॉइंट बन जाता है। टी पॉइंट मतलब एक तो चंबल नदी आ ही रही है हमारी, ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं अपने कि एक टी पॉइंट बनता है जिसके अंदर नदी आ जाती है हमारी, एक तो चंबल नदी आ जाती है, ठीक है, एक आ जाती है हमारी सीप नदी और दूसरी आ जाती है बनास नदी। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि बनास नदी जो है वो हमारी चंबल नदी में आकर मिलती है। तो ये तीन नदियों का यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा टी पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये करौली में एंटर करती है, फिर धौलपुर, और धौलपुर के बाद जो है वो यमुना के अंदर मिल जाती है, जो कि कहाँ पर है, इटावा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यमुना के अंदर आकर ये मिल जाती है। राजस्थान में लंबाई इसकी कितनी है, 135 किलोमीटर है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, चित्तौड़गढ़ में आती है, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर स्वाई माधोपुर, करौली और फिर धौलपुर। इसके अलावा इसमें चार डैम थे हमारे, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये चार बांध आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आ जाती है सहायक नदियां। सहायक नदी में हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, जो ऊपर वाली है वो हमारी कौन सी है, वो बाईं तरफ की नदियां हैं, और नीचे वाली कौन सी है, दाईं तरफ की नदियां हैं। बाईं तरफ में नदी आती है, सबसे पहले बनास नदी आ जाती है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर आकर मिलती है स्वाई माधोपुर के पास। फिर उसके बाद आ जाती है चाकर नदी। चाकर नदी जो है वो इसके अंदर बूंदी के आसपास आकर जो है इसके अंदर मिलती है चंबल नदी में, दूसरी सहायक नदी। तीसरी आ जाती है कुराल नदी। कुराल नदी देखिए कहाँ पर मिलती है, कोटा के अंदर मिलती है। कुराल नदी बनास चंबल नदी में कहाँ पर मिलती है, कोटा के अंदर आकर ये मिक्स हो जाती है। इसके अलावा देखिए कुराल नदी के पास ही एक नदी और इसके अंदर आकर मिलती है, कौन सी, मेज नदी। यानी कि मेज नदी जो चंबल की सहायक नदी नहीं है, वो किसकी सहायक नदी है, कुराल की सहायक नदी है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक क्या बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है, जो कि कौन सा है, भीमलत जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, मेज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। मोस्टली कई नदियों के तो हमें याद नाम रह जाते हैं, ठीक है, चंबल है, बनास है, लूनी है, माही है, जो मेन मेन याद रह जाती है, कई जो नाम हमने नहीं सुने होते वो नहीं याद रहते। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेज नदी है उस नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, कौन सा, भीमलत जलप्रपात। एग्जाम से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान रखना है इसका। फिर इसके बाद आ जाता है चित्तौड़गढ़ में से ही एक नदी आती है, ब्राह्मणी नदी, जो कि इसके अंदर आकर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर ही मिल जाती है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी। तो कौन कौन सी नदियां होगी हमारी बाईं तरफ से, ब्राह्मणी नदी, कुराल नदी, चाकर नदी और बनास नदी, ये हमारी लेफ्ट साइड की नदियां हो गई हैं। फिर देखिए राइट साइड की कौन सी नदियां हैं, राइट साइड में देखिए तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आ जाती है हमारी कौन सी, सीप नदी है, क्योंकि चंबल के साथ क्या बनाती है, टी पॉइंट बनाती है, एक चंबल, सीप और बनास। फिर आ जाती है पार्वती नदी। पार्वती नदी भी यहाँ पर कहाँ मिलती है, स्वाई माधोपुर में जो है वो चंबल नदी के अंदर मिलती है। फिर देखिए यहाँ से आ जाती है काली सिंध, ठीक है, इसकी सहायक नदी में कौन सी आएगी, काली सिंध नदी आएगी। काली सिंध की सहायक नदियां बन जाती हैं कौन सी, एक तो परवन नदी बन जाती है, एक चोली नदी है, और एक कौन सी है, आहू नदी है। ये जो इस तरफ से जो नदियां मिलेंगी ना, इसके अंदर दो तीन गढ़ है या दुर्ग है वो आ जाएंगे, तो मैं आपको अभी बता दूंगी। परवन नदी है, ठीक है, ये जो परवन नदी जब इसके अंदर मिलेगी, निकलेगी कहाँ से, मालवा के पठार से निकलती है, ठीक है, वहां से निकलने के बाद ये जब इसके अंदर मिलती है काली सिंध में, तो 12 के अंदर से होती हुई जाती है, तो 12 के अंदर क्या है, यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, कौन सा, शेरगढ़ दुर्ग। इस नदी के किनारे एक दुर्ग है, कौन सा, शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। फिर देखिए इधर से आ जाती है एक चोली नदी आकर मिलती है, फिर आहू नदी, आहू नदी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गागरोन दुर्ग जो है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है, आहू नदी,
ठीक है, आहू भी आ सकता है, कई बार वो काली सिंध भी दे देते हैं, या आहू नदी और काली सिंध दोनों नदियों के संगम पर दे सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आपको दोनों नदियों की ध्यान रखने हैं, आहू नदी भी और काली सिंध भी। गागरोन जो किला है वो कहाँ पर बना हुआ है, आहू नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, तो ये आगे हमारी सारी की सारी इसके अंदर क्या आ जाती है, इसकी सहायक नदियां आ जाती है। इसके अलावा देखिए ये जो नदी है ना, कई नदियां तो होती हैं जैसे क्या करती हैं, इरोजन करती है, इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव करना। ठीक है, तो मिट्टी का कटाव कैसे करती है, जैसे एक नदी ऐसे निकल रही है, ठीक है, तो मिट्टी का कटाव कैसे करती जाएगी, ऐसे करती हुई जाएगी, साइड में से क्या करेगी, मिट्टी का कटाव करती हुई जाती है। लेकिन ये क्या करती है, ये अंदर की तरफ कटाव करती है, क्योंकि साइडों में इसके क्या है, पत्थर पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, इस नदी के आसपास, जिसकी वजह से क्या करती है, साइड से कटाव कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या करती है, गहराई में जो है वो कटाव करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गार्ज बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं, वी आकार की घाटी, क्या बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ज बोलते हैं, यानी कि ये गहराई में जो है क्या करती है, मिट्टी का कटाव करती है, साइड में से नहीं करती है। फिर देखिए इसके नाम है अलग अलग, इसको क्या कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, इसको चर्मनवती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चंबल नदी के बारे में, जिसकी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, दाईं तरफ से भी हैं और बाईं तरफ से, आपको दोनों अलग अलग याद रखनी है। इसकी लंबाई आपको बता दी है कि 135 किलोमीटर है, इसके द्वारा जो मैदानी भाग बनता है उसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। छोटी छोटी सी बातें हैं इसके बारे में, जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसके बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी बात करेंगे झीलें, ठीक है, झीलों के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान के अंदर हैं। थैंक यू।